हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन डिजाइन टू इज़ टू फोर डिकोडर यूजिंग वन इज़ टू टू डिकोडर ठीक मीन्स कि हमारे पास जो अवेलेबल डिकोडर है दैट इज़ वन इज टू टू डिकोडर और जो हमें इम्प्लीमेंट करना है दैट इज़ टू इज टू फोर ठीक दिस वन इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस वन इज़ अवेलेबल ओके नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स Is equal to 2 and in available number of inputs is equal to 1. Now number of outputs is equal to 4. In this case, number of outputs is equal to 2. Okay? So we can easily find the how many 1 is to 2 is required. So number of required वन इज टू टू विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाई एवेलेबल आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट इज फोर डिवाइडेड बाई अवेलेबल आउटपुट इज टू मीन्स की एट आउट नाउ इट इज क्लियर कि अगर हमें टू इज टू फोर डिकोडर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग वन इज टू टू तो हमें टू वन इज टू टू डिकोडर चाहिए होंगे एट द आउटपुट इन ठीक एंड अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय टू तो हमें क्या मिलेगा वन मींस कि देयर इज़ टू लेवल अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वन इज टू टू यूज करना है उस केस में हमें टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन थ्री रिक्वायर्ड होंगे टू इज़ टू वन ठीक तो फर्स्ट मैं ड्रॉ करती हूँ ट्रुथ टेबल ऑफ टू इज़ टू फोर ठीक यहाँ पर टू इनपुट्स थे अज्यूम के फर्स्ट इनपुट इज ए एंड सेकेंड इनपुट इज़ बी डन ये हो जाएंगे ये इनपुट्स इनपुट्स दिस साइड आउटपुट आउटपुट्स इनपुट हमने लिए एंड बी आउटपुट्स के हमने लिए डी नॉट डी वन डी टू एंड डी थ्री ठीक फोर आउटपुट्स थे ठीक नाउ टू इनपुट्स फोर कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ठीक जीरो जीरो होगा डी नॉट विल बी वन रिमेनिंग ऑल क्या होंगे जीरो फॉर जीरो वन डी वन विल बी हाई रिमेनिंग क्या होंगे जीरो फॉर वन ज़ीरो डी टू हाई होगा और रिमेनिंग क्या होंगे ज़ीरो फॉर वन वन डी थ्री हमारा हाई होगा रिमेनिंग क्या होंगे जीरो ठीक तो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल अब हम स्टार्ट करते हैं डाइग्राम बनाना तो जब हम डाइग्राम स्टार्ट करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है कि लास्ट एंड पर ठीक है मीन्स कि सेकेंड लेवल पर टू यूज़ होंगे मीन्स कि ये हमने यूज़ किया वन क्रॉस टू एंड वन मोर वन क्रॉस टू ठीक डी नोट डी वन इसका डी नॉट जो होगा मीन्स की जीरो इसका जीरो इसका वन इसका जीरो जो होगा दैट इज डी टू और इसका जो वन होगा दैट इज डी थ्री किसके लिए टू इज टू फोर के ये फोर आउटपुट्स हो गए नाउ इनपुट की बात करते हैं तो अगर हम ए को हाइड कर देते हैं तो यू कैन सी कि जीरो वन जीरो वन ठीक है कॉमन वैल्यूज हो रही हैं जीरो वन जीरो वन क्लियर जीरो वन जीरो वन अप्लाई होगा मींस कि बी को हम एज अ इनपुट अप्लाई करते हैं फॉर बोथ ये और ये ठीक है ये इसके इनपुट्स हो गए नाउ यहाँ पर हमने बताया था कि वन मोर चाहिए वाई उसके दो तरीके हैं तो मैं फर्स्ट पहले बनाती हूँ यूजिंग वन इज टू टू मैंने वन इज टू टू वन मोर यूज किया ठीक इसके जो टू आउटपुट्स होंगे मीन्स कि जीरो एंड वन जीरो वर्क एज अ इनेबल फॉर दिस एंड वर्क वर्क एज अ इनेबल फॉर दिस ठीक नाउ जो इसकी इनपुट होगी वो क्या होगी ए ठीक क्लियर तो दिस इज द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ टू इज टू फोर डिकोडर यूजिंग वन इज टू टू तो मैं किसी भी वन इनपुट को लेके आपको जस्टिफाई करके दिखा देती हूँ कि विच वन इज हाई ठीक क्लियर चेक करते हैं सपोज हमने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज किया ठीक है दिस कॉम्बिनेशन तो हमें हाई आउटपुट कहाँ मिलनी चाहिए डी टू पर क्लियर तो हमने क्या दिया एक ही वैल्यू को है वन एंड बी इज इक्वल टू क्या है जीरो इफ़ बी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर भी इनपुट जीरो अप्लाई हुई और यहाँ पर भी इनपुट ज़ीरो अप्लाई हुई बोथ पर जीरो इनपुट अप्लाई हुई मीन्स कि इसका भी डी नॉट सेलेक्ट हुआ इसका भी डी इसका नॉट मतलब डी टू सेलेक्ट हुआ ठीक दोनों के अपर सेलेक्ट हुए बट अब इसमें से विच डिकोडर इज इनेबल ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा डिकोडर इनेबल है वो डिसाइड करेगा ए नाउ ए इज इक्वल टू वन है तो इसके टू आउटपुट्स में से कौन सा आउटपुट हाई होगा वन वाला दिस वन इज वन यहाँ पर हमें वन मिलेगा और यहाँ पर जीरो मिलेगा इसके इनेबल को जीरो मिला मीन्स कि दिस विल बी ऑफ ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया तो आउटपुट पर हाई हमें कहाँ मिलेगा डी पर नाउ दिस इज डन फ्रॉम माई साइड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू